नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप गूगल पे अकाउंट यूज करते हैं और गूगल पे में जब भी आप अपना यहाँ पर बैलेंस चेक करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, और इस तरह की प्रॉब्लम आखिर हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ये छोटी सी एक वीडियो है और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको हमेशा इस चैनल पर मिलती रहती हैं जो कि आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जो कि मोबाइल से रिलेटेड। इसी के साथ में आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, इसी के साथ में आप इस पर वीडियो देखकर और आप अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं घर बैठे ही मोबाइल से ही, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि कई बार हम सिम के लिए निकाल कर अपने फ़ोन से किसी दूसरे फ़ोन में एंटर कर देते हैं, या फिर आपने सिम पहले ऑप्शन में थी, अब उसके बाद में आपने सिम को चेंज करके दूसरे ऑप्शन में डाल दिया है अपने फ़ोन के ही अंदर, तब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसी के साथ में ये आपसे बोल रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पर अपना कोई भी बैंक अकाउंट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर है जो कि मुझे सिम से अपनी वेरीफाई करना होगा, तभी ये एप्लीकेशन अब ये काम करेगी। जब तक आप यहाँ पर रजिस्टर नहीं करते हैं तब तक ये अब गूगल पे आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको अपने फ़ोन को यहाँ पर जाके आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है रजिस्टर मोबाइल नंबर, ठीक है। इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। जो आपका मोबाइल नंबर होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, नहीं है तो अपना मोबाइल नंबर डाल के नेक्स्ट पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे ही OTP आप यहाँ पर एंटर कर देते हैं तो जो आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में आप यहां पर चेक बैंक बैलेंस, ठीक है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आ रहा है। जो सिम कार्ड है वो मेरे दूसरे मोबाइल में है, क्योंकि मैंने एक टाइम ऐसा आया था जो कि मुझे ज़रूरत पड़ी थी तो मैंने इस फ़ोन में चलाया था अपना गूगल पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस फ़ोन में आपकी सिम है या फिर आपका हो सकता है रिचार्ज वगैरह ना हो तो आपको ये सारी चीज़ें देख लेना है, और आपको ये किसी भी तरीके का टेक्निकली इशू वगैरह नहीं है, ठीक है। ये आपके मोबाइल से ही इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम है आप तभी सॉल्व कर सकते हैं, अपने मोबाइल नंबर से आपको वेरीफाई करना ही होगा। इसी के साथ में आपके फ़ोन में रिचार्ज भी होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।